बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ नए चीटोस का। तो ये येलो वाला बेसिकली जो है ये सॉल्ट फ्लेवर है और ये बेसिकली शेल्स बने हुए हैं। फिर दोबारा एक आ जाते हैं पॉपर्स की फॉर्म यानी शेप, और ये चीज़ है। फिर पॉपर्स की एक और शेप है, वो फ्लेवर आ जाता है जो पिज़्ज़ा है। और फिर हमारे पास शेल्स में एक वेजिटेबल आ जाता है जो कि ब्लू कलर में है। तो अब हम इसका रिव्यू देंगे। सबसे पहले सॉल्ट, तो मैंने कहा मैं एंड में ट्राई करूँगी, बस सॉल्ट तो यू नो वट इट इज़। तो हम डिफरेंट फ्लेवर्स को पहले ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ चीज़ फ्लेवर, जो कि पॉपर्स जो हैं उसकी शेप है। तो ये 10 रुपये वाला भी मैंने पैक लिया है, अच्छा होगा, तो फिर हम और ट्राई कर लेंगे। ये देखें जी, तो ये कुछ इस तरह है। पॉपर की जो शेप है वो ये है, जिसको इन्होंने पॉपर की शेप का नाम दिया है। अब इसको टेस्ट करके बताती हूँ मैं। नॉट बैड, ज़्यादा टेस्ट फ्लेवर नहीं है, बच्चे भी खा सकते हैं। बहुत माइल्ड सा चीज़ का इन्होंने फ्लेवर दिया हुआ है। बहुत जैसे आप लोगों ने अगर कैटीचन्स खाए हों तो उसका जो है इन्होंने फ्लेवर जो है उसको थोड़ा सा, वो तो खैर बहुत तेज़ होता है, उसको बिल्कुल लाइट कर लें आप, तो वो फ्लेवर है यहाँ पर। और नेक्स्ट अब हम ट्राई करने वाले हैं, आई थिंक हम ये शेल्स ट्राई करते हैं, और ये वेजिटेबल फ्लेवर है। तो ये शेल्स हैं जी, ठीक है, मैंने 2 पकड़ लिए हैं, आपको एक पकड़ के इंडिविजुअल दिखाती हूँ। ये है जी शेल्स, अब इनको ट्राई कर लेते हैं। टेक्सचर बहुत चेंज हो जाता है एकदम से मुंह में, थोड़े से स्टिफ़ है, जैसे कि अगर आपने ट्विस्टर खाए हो सुपर क्रिस्प के, बिल्कुल वो वाला टेक्सचर मुँह में आता है। लेकिन जो फ्लेवर है वो ऐसा है जैसे कि वेजिटेबल तो नहीं लग रहा, मुझे चटपटा जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन बहुत माइल्ड टेस्ट है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। अच्छा जी, सॉल्ट मैंने कहा था एंड में, और मुझे वैसे फ्लेवर समझ भी आ गई सॉल्ट का कैसा होगा। खैर अभी हम पिज़्ज़ा में आते हैं। तो जैसे कि ये पॉपर शेप है वही शेप आ जाती है। अब इसको ट्राई करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से मेरा जो है वेजिटेबल वाला फ्लेवर जो है बंद हो जाए। ट्रू, बिल्कुल जैसे पिज़्ज़ा की जो सीजनिंग होती है ना वही सेम फ्लेवर है, लेकिन मुझे सीजनिंग का फ्लेवर पसंद नहीं है। तो ऐसी बात है, वो चिकन का फ्लेवर, वो जो चीज़ का फ्लेवर, वो तो नहीं आएगा। सीजनिंग जैसे होती है उसके स्पाइसेस की, वो आ रहा है। सो दैट्स इट, इस तरह का ही टेस्ट है। अच्छा जी, अब हम सॉल्ट की बात कर लेते हैं। तो सॉल्ट जो है बेसिकली वही शेल वाली फॉर्म, थोड़े से हार्ड चिप्स हैं, मुंह में घुलते नहीं है जितनी जल्दी पॉपर घुल रहा है। बिल्कुल हार्ड स्लांटी, स्लांटी भी तो आपको लाइन्स नज़र आती ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि लाइन्स आप गायब कर दें स्लांटी की शेप की। और थोड़े से ना ऐसे मुँह में जल्दी घुलते नहीं है, पॉपर्स जल्दी खुल जाते हैं। इनको चबाना आसान है, इनको चबाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन शेल फॉर्म है। स्पाइसेस सारों में नॉर्मल है, ज़्यादा तेज़ किसी में भी नहीं है। अब बात कर लेती हूँ कि मेरा फेवरेट कौन सा है। तो मेरे सिर्फ 2 फेवरेट हैं, और वो हैं जी चीज़ और वेजिटेबल, बस। मुझे पिज़्ज़ा का इतना पसंद नहीं आया टेस्ट, ना ही मुझे सॉल्ट, तो खैर मैं इतना नहीं खाती, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को सॉल्ट देना चाहते हैं बिल्कुल, तो ये वाला ट्राई कर सकते हैं, येलो वाला, बहुत छोटे बच्चे अगर, तो सो उनके लिए ये अच्छा है। सो गाइज़, आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। मैंने तो अपना बता दिया कि मुझे दोनों पसंद आए हैं, और टेस्ट वगैरह क्या था वो सब भी आपको बता दिया। आपने बताना है कि आपको ये कैसे लगे चीटोज़ के। सो डू राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। अगर आप इस तरह के और रिव्यू चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें अपने प्यारों के साथ, और सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।